और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बीकानेर में हुंकार भरी। राजनाथ सिंह ने बीकानेर के कोलायत में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। भजनलाल सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। गोदारा जी, बड़ी माला से स्वागत। मंच पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों, पहले मैं विदेशों में जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम कुछ बात बोलते थे, हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत का कद इतना बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, किसी भी फोरम पर भारत यदि बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनाई है। लेकिन मुझे तकलीफ होती है कभी कभी, और मैं सच बताऊं मुझे हार्दिक पीड़ा होती है कभी कभी, जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक होती है। मैं उसमें गृह मंत्री था इस देश का। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, हम घुसकर मारते हैं। ये कांग्रेस के लोग उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता और जयपुर शहर से प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर कब तक पाकिस्तान के नाम पर चुनावी फायदा लेने की कोशिश बीजेपी करती रहेगी। पाकिस्तान में असली हाहाकार तब मचा था जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने, सुनिए क्या कुछ कहा। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ में मौजूद हैं, जयपुर से प्रत्याशी भी हैं। तब जिस तरह की बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान में हाहाकार है, लंदन के भी कई अखबारों में ख्याति छपी है पीएम की, तो उस पर आपका क्या नज़रिया है? मेरे समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं तो असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान का भी नाम ले लेते हैं, मंदिर मस्जिद का भी लेकर आते हैं, हिंदू मुसलमान को भी लेकर आते हैं। और चुनाव खत्म होती, बीजेपी जब कुर्सी पर बैठती है तो ना मंदिर मस्जिद करती है, ना हिंदू मुसलमान करती है कुर्सी, और ना पाकिस्तान का नाम लेती है, और दूध मलाई खाते हैं और मस्त रहते हैं। भाई साहब, ये क्या कर रहे हो आप? आपको पाप लगेगा, बीजेपी वालों को क्या लेना देना है पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हो, तो हमारी हालत आप उठाकर देखो, हमारी जो डेवलपमेंट ग्रोथ है और दुनिया में चर्चा हो रही है कि हमें बांग्लादेश के नीचे दिखा रहे हैं। आप उसकी मैं चर्चा करूंगा तो आप चिढ़ जाओगे, और ये बांग्लादेश का नाम ले दिया। तो भाई साहब, ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान में था, इसके दो टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने किए। पाकिस्तान में कोई बैठा है तो पाकिस्तान को कमजोर तो इंदिरा गांधी ने किया कि दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, और सारा हिंदुस्तान का उस वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उस युद्ध में इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। We'll be right back.